हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले आईसीआईसीआई बैंक के क्वार्टर फोर के रिजल्ट के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे स्टैंडर्ड लोन रिजल्ट कैसे रहे। अगर आप स्टैंडर्ड लोन रिजल्ट को देखोगे तो रेवेन्यू जो है 22,083 करोड़ से बढ़ के 22,675 करोड़ आया है। टोटल एक्सपेंसेस 9,082 करोड़ से घट के 8,118 करोड़ है। एक्सपेंसेस का गिरना इज अ वेरी वेरी माइंड ब्लोइंग फैक्टर फॉर आईसीआईसीआई बैंक। एंड अगर हम प्रॉफिट भी वो टैक्स की फेज को देखें, वो 8,141 करोड़ से 9,224 करोड़ हुआ है। ऑल्दो वी ऑल नो जब भी रेवेन्यू बढ़ता है एंड उसके अगेंस्ट एक्सपेंसेस घटता है तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ता है एंड नेट प्रॉफिट में भी उसका साफ साफ रिफ्लेक्शन हम देख सकते हैं। 7,019 करोड़ का नेट प्रॉफिट है वर्सेस 6,194 करोड़। फैंटास्टिक परफॉर्मेंस इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए। ग्रॉस एनपीए 4.13% से 3.60% आया है, नेट एनपीए 0.85% से 0.76%। एनपीए का घटने का मतलब होता है प्रोविशनिंग का घटना। प्रोविशनिंग जब घटता है तो उसका इंपैक्ट नेट प्रॉफिटेबिलिटी पे पड़ता है, यानी प्रॉफिट बढ़ता है। सो वन ऑफ द फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। स्टॉक बढ़ चुका था, उसके बाद रिसेंटली थोड़ा करेक्ट भी हुआ, 750 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। जिस तरह का रिजल्ट है थोड़ा फायरवर्क्स तो देखने को मिलेगा। ऑल्दो निचले लेवल से तो रिकवर अच्छा खासा हुआ है आईसीआईसीआई बैंक, बट जिस लेवल पे खड़ा है ऐसा नहीं है कि 10% एक ही दिन में भाग जाए। बट जिस तरह का रिजल्ट है उसका इस स्टॉक के ऊपर डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ेगा। मंडे जब मार्केट ओपन होगा 2-3-4-5% यानी 800 तक स्टॉक शॉर्ट टर्म में मूवमेंट दिखा सकता है अगर मार्केट का भी उसके ऊपर सपोर्ट रहा तो। सो ओवरऑल थिंग इज दैट इट्स अ बाय ऑन डिप स्टॉक ऑलवेज। फिर से अगर किसी कारण मार्केट क्रैश होता है, यह स्टॉक गिरता है, तो आपको जरूर डिप्स में स्टॉक को बाय करना चाहिए ना। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस भी आप देख लेते। रेवेन्यू 24,999 करोड़, अप्रॉक्स 25,000 करोड़। लास्ट क्वार्टर में 24,314 करोड़ था। एक्सपेंसेस 21,775 करोड़ अगेंस्ट 20,470 करोड़। इन दैट केस कंसोलिडेटेड नंबर्स पे एक्सपेंसेस बढ़ चुके हैं कंपेयरिंग टू स्टैंडअलोन नंबर्स। रेवेन्यू भी बढ़ा है, इसका इंपैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी पे भी आया है। नेट प्रॉफिट फिर भी यहाँ पे हम देख सकते हैं 7,719 करोड़ वर्सेस 6,527 करोड़, यानी जो प्रॉफिट है वहां पे भी हम अच्छा खासा जंप देख सकते हैं। बट वन ऑफ द अदर इनकम का फिगर आप देखें, वहां पे 15,745 करोड़ से 18,000 करोड़ जो अदर इनकम है वो भी इंप्रूव हुआ है। सो अदर इनकम जितना बड़ा है उस कारण ही नेट प्रॉफिट में हम इतना इजाफा देख सकते हैं। सो कंसोलिडेटेड नंबर्स आर कंप्लीटली डिफरेंट। सिर्फ नेट प्रॉफिट के ऊपर आपको नहीं जाना, आपको देखना है अदर इनकम का फिगर, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो रेवेन्यू बढ़ चुका है बट उससे कंपैरिजन एक्सपेंसेस बढ़ा है। अगर आप स्टैंडर्ड लोन नंबर को फिर से देखोगे वहां पे भी जो अदर इनकम है वो बिल्कुल फ्लैट है। सो स्टैंडर्ड लोन बेसिस पे अगर हम रिजल्ट को देखें, रिजल्ट आज फैंटास्टिक माइंड ब्लोइंग। बट कंसोलिडेटेड फिगर्स पे अगर हम अदर इनकम के फिगर को देखें, सो इन दैट केस नेट प्रॉफिट बढ़ने का जितना भी रीजन है वो है अदर इनकम के फिगर का बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट। सो इस चीज को आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा। सो डेफिनेटली 750 से 780 790 तक जाएगा, मार्केट रिकवरी में डेफिनेटली पार्टिसिपेट करेगा। बट अगर आपको डिप्स में मिले फिर से ये स्टॉक 700 के करीब, 680 टू 700 इज अ डेफिनेटली अ बेस्ट बाइंग जोन फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। अब एट द एंड कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों को भी जान लेते हैं, वो है लेटेस्ट अपडेट। अगर हम आईसीआईसीआई बैंक के अपडेट्स के बारे में देखें, सो एज यू कैन सी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रो 59% ईयर ऑन ईयर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रो बाई 44% ईयर ऑन ईयर। डोमेस्टिक लोन पोर्टफोलियो ग्रो 17% ईयर ऑन ईयर। नेट एनपीए ग्रॉस एनपीए के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है। टोटल कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो वाज 19.16% एंड नेट इंटरेस्ट इनकम ग्रो बाई 21% ईयर ऑन ईयर। दीज आर द की हाइलाइट्स फॉर आईसीआईसीआई बैंक। दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। बिफोर बाइंग और सेलिंग एनी स्टॉक आस्क योर सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।